कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष हर महिला स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, कोई एक परिवार बताइए। यहाँ तक कि नेहरू जी की माता जी स्वरूप रानी नेहरू, उन पर लाठियां पड़ी थी, तब जाके उनका, उसके बाद वो उबर नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। जो लाठी लाजपत राय जी पर पड़ी थी उसी समय, नेहरू जी 10 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी जेल में रहती हैं। पहली बात तो ये वो परिवार है जिसकी संघर्ष की एक विरासत आजादी के पहले से। अब आइए बाद में, लोग कह देते हैं कि अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी के जिंदा रहते यानी 1964 तक इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकी थी। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार राज्यसभा में भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? अरे भाई, शास्त्री जी बने थे। ये ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, उनके जीते जी राजीव गांधी मंत्री नहीं बने थे। राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, जो परिस्थितियां थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी। नरसिम्हा राव बने, और उसके बाद भी सोनिया गांधी के सामने 2004 में सीधा अवसर था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, उस समय भी वो नहीं बनी। ये दरअसल संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, ये सत्ता का परिवारवाद नहीं है। ये बात हमें